हाय, दिस इज पंखरी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन मूवी टॉकीज। और आज मैं रिव्यू करूंगी काजोल, तन्वी आजमी और मिथिला पालकर स्टारर त्रिभंग, जो अब स्ट्रीम हो रही है नेटफ्लिक्स पे। द फिल्म रिवॉल्व्स अराउंड थ्री विमेन, अ सेलिब्रेटेड राइटर नयनतारा, उनकी बेटी अनुराधा जो कि एक एक्ट्रेस और डांसर है, और अनुराधा की बेटी माशा हु इज अ हाउसवाइफ एंड इज प्रेग्नेंट। काजोल इज प्लेइंग अ फाउल माउथ कॉन्ट्रोवर्शियल स्टार जिसकी अपनी मम्मी से इतनी अनबन है कि वो उन्हें आई नहीं बल्कि उनके नाम नयन से बुलाती है। जब एक दिन अचानक ब्रेन स्ट्रोक की वजह से नयन कोमा में चली जाती है तो बहुत सारे रेवलेशंस होते हैं और सारे कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, एंड दैट प्रीटी मच फॉर्म्स द रेस्ट ऑफ द प्लॉट। फिल्म को डायरेक्ट किया है रेणुका शाहने ने, और जहां उनकी इस फीमेल बॉन्डिंग और थ्री जनरेशन ऑफ वुमेन विद कम्प्लीटली डिफरेंट आउटलुक्स टुवर्ड्स लाइफ पे फिल्म बनाने की इंटेंशन अच्छी थी, एग्जीक्यूशन में वो मात खा गई। द फिल्म इज ऑल ओवर द प्लेस, इतने सारे कैरेक्टर्स और इतने सारे एलिमेंट्स हैं बट दे डोंट रियली कम टुगेदर, देयर इज नो कोहेसिवनेस। काजोल इज प्लेइंग एन एक्ट्रेस एंड एन उड़ीसी डांसर, लेकिन ना तो हम उन्हें फिल्म के सेट्स पे देखते हैं और ना ही स्टेज पे परफॉर्म करते हुए, तो उनके कैरेक्टर के इस फेसेट का इस फिल्म की स्टोरी पे क्या इम्पैक्ट है ये हमें सिर्फ रेणुका ही बता सकती है, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे तो समझ नहीं आया। तन्वी आजमी हिंदी के इतने टफ वर्ड्स बोलती हैं जैसे इस बात की संकल्पना करना फॉलोड बाय पॉसिबल नहीं था, तो जब पॉसिबल बोल सकते हैं तो इमेजिन भी बोल सकते थे इंस्टेड ऑफ संकल्पना। बहुत ही फोर्स तरीके से उन्हें इंटेलेक्चुअल दिखाने की कोशिश की गई है। सेम इज द केस विद कुणाल रॉय कपूर जो फिल्म में तन्वी आजमी की बायोग्राफी लिख रहे हैं। उनका कैरेक्टर इतना सीधा साधा और भोला भाला है कि काजोल के ढेरों गालियां सुनने के बाद भी वो बेशर्मों की तरह वही रहता है। गालियों की बात करें तो हमारे बॉलीवुड फिल्म मेकर्स को लगता है कि OTT कंटेंट गालियों के बिना बन ही नहीं सकता। काजोल इस फिल्म में 95% ऑफ द टाइम्स गालियां देते हुए नजर आई, एंड आई एम ऑनेस्टली फाइन विद द गालीज, बट इट शुड कम ऑर्गेनिकली, यहाँ तो जबरदस्ती लगता है। बात करें काजोल की परफॉर्मेंस की तो ऐसा लगता है कि उन्होंने OTT प्लेटफॉर्म को बहुत सीरियसली ले लिया और कुछ ज़्यादा ही OTT हो गई, मतलब ओवर द टॉप। उनका कैरेक्टर इतना लाउड और ऑब्नॉक्शियस है कि उसे बर्दाश्त करना मुश्किल है। अजीब बात यह है कि इस फिल्म को एक फीमेल डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है जो खुद एक एक्ट्रेस रह चुकी हैं, लेकिन जब बात आई एक स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर को दर्शाने की तो शी चोज द स्टीरियोटिपिकल सिगरेट पीने वाली, गाली देने वाली, बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स वाली औरत एज अ प्रोटैगनिस्ट। मूवी में बहुत से ऐसे सीन्स हैं जो शायद अगर सही स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन होता तो आपको इमोशनल कर देता, लेकिन आप इस फिल्म से इमोशनली कनेक्ट हो ही नहीं पाते। कैरेक्टर्स के ट्रॉमेटिक पास्ट को जानने के बावजूद भी आप उनके लिए बुरा फील नहीं करते। दिस फिल्म वुड प्रॉबेबली मेक यू थिंक बट इट वुड सर्टनली नॉट मूव यू। ये फिल्म 1 घंटे 35 मिनट की है, लेकिन ये इतनी डल और बोरिंग है कि ऐसा लगता है कि खत्म ही नहीं हो रही। देयर इज नॉट इवन वन मोमेंट वर्थ रिमेम्बरिंग। कैरेक्टर्स आते रहते हैं और अपनी आप बीती सुनाकर चले जाते हैं, लेकिन उनकी दुख भरी दास्तां सुनकर भी आप दुखी फील नहीं करते। मिथिला पालकर, वैभव तात्वावाड़ी, मानव गोहिल एंड कंवलजीत हैव बीन वेस्टेड। तन्वी आजमी एक अच्छी एक्ट्रेस हैं, लेकिन इस फिल्म में मुझे ऐसा लगा जैसे वो टेलीप्रॉम्प्टर देखकर बोल रही हो। उनकी डायलॉग डिलीवरी बहुत अननेचुरल है, डायलॉग्स बहुत पकाऊ है, स्क्रीन प्ले इज लूज बट द सिनेमेटोग्राफी इज गुड। त्रिभंग के टाइटल के साथ टेढ़ी मेढ़ी क्रेजी लिखा है, बट द ओनली थिंग टेढ़ा मेढ़ा आफ्टर वॉचिंग दिस फिल्म वुड बी योर मूड। आई गिव दिस फिल्म अ रेटिंग ऑफ 1.5 स्टार। So that's all I have for you today. I'll catch you next time with something new and something fresh. Till then, stay tuned to Movie Talkies and do not forget to subscribe.